खाने का मन कर रहा है तो मैं गाइस आ गया हूँ हलवा बनाने के लिए किचन में। तो ये देखिए गाइस, मैं हलवा बना रहा हूँ उपासना के लिए। 10 मूला रेस्ट बैद्यनाथ का आता है ये कंपनी का, ये मैं लेकर आया हूँ उपासना के लिए। अजवाइन बनाने के लिए कह रही हैं उपासना के लिए, तो वो आप खुद से बनाएंगे? ये भाभी ने अपना लिस्ट बताया सारा ये अजवाइन बनाने का, तो वो लिस्ट मुझे मिल चुका है। सो हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियोस पे गाइस। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है गाइस। सो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप जो हमारे लास्ट वीडियोस को इतना सारा प्यार दिए, इतना सारा मतलब व्यूज़ मिले, काफ़ी अच्छा लगा देख करके आप लोगों का प्यार। सो गाइस, आप लोग से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को पहले ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। लग रहा है मन से अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बहुत लूज़ लग रहा है बॉडी एकदम, और बहुत सारा वीकनेस भी लग रही है। दवा पानी सब तो डॉक्टर का चल ही रहा है, उसका सब कुछ खा रही है अच्छे से, बट फिर भी उसको वो मतलब इम्यूनिटी जो है बहुत वीक लग रहा है उसका, मतलब पूरा नहीं हो रहा है वो खान पान सही से, बाकी सब कुछ खा रही है वो फिर भी। तो इसमें क्या है कि कुछ बता के गए हैं टिप्स, वो आई थी तो वो बोली कि 10 मूला रेस्ट वो सिरप देने के लिए और एक अजवाइन होता है वो बनाकर देने के लिए। तो अजवाइन के लिए मैं जो भी सामग्री है वो मैं लेने जा रहा हूँ, जो भाभी बनाएंगी अपने हाथों से बोल रही है। भाभी ने अपना लिस्ट बताया सारा ये अजवाइन बनाने का, तो वो लिस्ट मुझे मिल चुका है, मैं वो जा रहा हूँ लाने राशन की दुकान में। वो भी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या मैं लेकर आया मार्केट से। अभी भाभी से पूछता हूँ मैं एक बार और कि उसमें और क्या क्या चाहिए, वो सही से बताएंगी। अजवाइन बनाने के लिए कह रही हैं उपासना के लिए, तो वो आप खुद से बनाएंगे? बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे उसमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए काजू, किशमिश, छुहारा, पोस्तदाना, और सोंठ वगैरह भी चाहिए, हल्दी वगैरह भी चाहिए, लेकिन अभी हल्दी वगैरह तो नहीं खाएगी क्योंकि बाबू को कुछ दिन पहले जॉन्डिस भी हुआ था कुछ, इसीलिए वो उपासना को भी हल्दी और सोंठ नहीं खाएगी, बाकी सब कुछ खाएगी। अदरक भी नहीं दे सकते? हाँ, अदरक भी नहीं दे सकते। हाँ, तो इसीलिए अभी सिर्फ काजू वगैरह। तो आप खुद से बनाएंगे ना? हाँ। यहाँ पे देखिए गाइस, थोड़ा सा सरसों का तेल लग रहा है, ज़्यादा नहीं, तालू में थोड़ा सा बच्चे का सर में तेल देना पड़ता है, सर्दी जैसा भी उसको हुआ है, खांसती भी है कभी कभी, ये इसीलिए ऐसा देना पड़ता है गाइस। तो आपने देखा कि भाभी ने क्या क्या बताया, क्या क्या लेकर आइएगा, वो सारा लिस्ट मुझे दे चुकी है, वो अपने हाथों से खुद बनाएंगी अजवाइन सारा ये सामान। तो मैं भी आपको वीडियोज़ में दिखाऊँगा गाइस वो कैसे बना रही हैं, कैसे कैसे नहीं बना रही हैं। और उपासना भी यहाँ पर लेटी हुई है, उपासना से भी पूछ लेते हैं गाइस। पसना सो गई हो क्या? हेलो पसना, सुनो ना, अरे पसना पसना, क्या कैसा लग रहा है तबीयत अभी? ठीक नहीं, बहुत वीकनेस लग रहा है तुमको? हाँ, बॉडी लूज वीकनेस लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो टेंशन मत, ठीक है। तो गाइस यही रहा, अभी मैं चलता हूँ मार्केट, वो सारा सामान लेके आता हूँ जो जो बोली भाभी, फिर आपको दिखाते हैं उस सामान में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। सो गाइस, मार्केट से मैं आ चुका हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बाहर पे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाहर, गर्मी का मतलब कोई बात ही नहीं है, क्या भीषण गर्मी हो रहा है बाहर गाइस। मतलब मैं तो एकदम परेशान, मतलब जैसे गया जैसे भी आया, और आया तो मैं सारा कुछ लेकर आया हूँ जो जो मैं आपको गाइस बताया था। तो 10 मूला रेस्ट बैद्यनाथ का आता है ये कंपनी का, ये मैं लेकर आया हूँ उपासना के लिए। ये डिलीवरी के बाद पीना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एक बार पीना चाहिए सुबह में और एक बार शाम में, ऐसा बताया उसने दुकानदार ने। अब देते हैं इसको, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है गाइस। और बाकी जो भाभी जो बताई थी वो अजवाइन का जो बनाना है उनको सामग्री क्या क्या मंगाई थी, तो ये रहा गाइस काजू, काजू का पैकेट, छुहारा मंगाई थी उसने, किशमिश ये भी आ चुका है गाइस, और देखा जाए तो यहाँ पे पोस्तदाना, इसको बोलते हैं पोस्तदाना, पता नहीं ये पोस्तदाना में मैं पहले भी खाया हूँ गाइस, पर मुझे ठीक से नहीं पता है। ये काजू आ गया, ये किशमिश, और ये बैद्यनाथ का रह गया गाइस, है ना, और ये शुद्ध घी भी रह गया, शुद्ध घी भी आ गया पंतजलि का अपना। तो यही गाइस है, अब बना के इसको जो भी है भाभी बना के देंगे उपासना को, देखता हूँ क्या है क्या नहीं, और बाकी का जो अभी सिरप मिला है वो सिरप में अभी उपासना को दे देता हूँ गाइस, ओके। सो है गाइस, सो शाम का टाइम हो चुका है और उपासना बोल रही है कि मुझे हलवा खाना है, बोलते मुझे हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मैं गाइस आ गया हूँ हलवा बनाने के लिए किचन में। तो ये देखिए गाइस, मैं हलवा बना रहा हूँ उपासना के लिए, सूजी का हलवा, सूजी में इसको मैं बना लेता हूँ फटाफट।
गाइस शाम को जो मैं अजवाइन बनाने का जो सामान लेकर आया था, यहाँ पे भाभी सारा ब्लेंडर मशीन में डाल करके इसे बनाने की सारी तैयारी कर रही है। और ये अजवाइन जो है उपासना के लिए बन रही है और ये बहुत जल्द बन के अभी तैयार हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जो मिक्सर जो होता है मशीन, वो भाभी वहाँ पे लेने जा जा रखे, वहाँ पे मशीन को स्टार्ट करती है और मशीन चल रही है करके और सारा। अभी देखते हैं कि अजवाइन कैसे पीस जाता है, आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे भाभी कैसे छुआ जो थी वो पीस के पूरा एकदम से वो बारीक हो चुका है और उसे भाभी अच्छे से मिला रही है। थोड़ी सी पानी डालेंगी वो और पानी डालने के बाद उसे एक बार और ब्लेंड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए सारा। तो देखता हूँ मैं गाइस कैसे दोबारा एक बार और कितना बारीक होता है वो।